हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्यूल कलर इफेक्ट ऑन द इमेज। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे हम लोग कलर रेड चूज कर लेते हैं। प्रेस ऑल्ट और ऑप्शन एंड बैक प्रेस। उसके बाद लेयर को ब्लेंड कर देते हैं। यहां से डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और कमांड डी। लेयर को सिलेक्ट करके लेयर मार्क्स ऐड कर लेते हैं। बाद ब्रश चूज करके फोरग्राउंड कलर ब्लैक। अगर मैं इस एज को या फेदर करना चाहूं, इसके लिए ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। मैं एक सॉफ्ट ब्रश चूज कर रहा हूं। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट्स। देखिए, एज फेदर तो हो रहा है पर प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो रहा है। हम लोग दूसरे तरीका अप्लाई करेंगे। हेयर को डिलीट कर देते हैं। यहां पर आके सॉलिड कलर चूज करते हैं। हेयर को ब्लेंड कर देते हैं। चाहे तो यहाँ से ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अब अगर मैं इस एज को फेदर करना चाहूँ या स्मूथ करना चाहूँ, यहाँ पर आके क्लिक करने के बाद यहाँ फेदर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया से इस लेयर का एज फेदर हो चुका है। डिफरेंस देखिए दोस्तों, बढ़िया से दो कलर मिक्स हो चुका है। अब अगर चाहें फोटो के इस हिस्से के कलर को यानी ब्लू कलर को आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कलर को छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट्स। कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अगर कोई भी सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। सब्सक्राइब करके इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट बहुत जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।